गाइस, वेलकम टू द चैनल। और यहाँ पे आप देख रहे हो, सुबह सुबह मैं हो रही हूँ रेडी। और क्यों रेडी हो रही हूँ? क्योंकि आपको लेके चलना है स्पेशल जगह। स्पेशल जगह तो होगा ही, क्योंकि आज है सावन, और सावन के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। चलते हैं बाहर और सबसे पहले करते हैं शंकर भगवान के दर्शन और उनके मंदिर को विजिट करते हैं। तो यस, इसी के साथ साथ यहाँ पे मैं पहन रही हूँ फिलहाल अपने वही वाले झुमके, जो कि मैं अभी थोड़ा इसी ही मैं पसंद कर रही हूँ। एंड यस, उसी के साथ साथ यहाँ पे मैं हो गई हूँ फटाफट रेडी। एंड एक चीज़ बताइए, हाँ बिंदी आ गई यहाँ पे, और यस वी आर रेडी एंड ऑल सेट टू लीव गाइज। वेलकम वेलकम बैक टू माई चैनल शर्मा ब्लॉग्स। तो गाइज, सबसे पहले गाइज आप सभी को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शंकर आप सब पे अपनी कृपा रखे, और ओम नमः शिवाय गाइज। गाइज, हमको ये भी पता चला है कि इस बार जो सावन है ये 2 महीने का होने वाला है, तो 4 सोमवार की जगह इसमें होने वाले हैं 8 सोमवार। पहला दिन सावन का शुरू, और देखा आपने, मैं रेडी वेडी तो हो चुकी हूँ। कहाँ चल रही हूँ, लेकर चलती हूँ आपको, क्योंकि जो सावन आ गया है मैंने आपको विश भी किया है। और यस, चलते हैं मंदिर, सबसे पहले शंकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। शुरुआत करते हैं उनके आशीर्वाद से। लेना सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहे। मुझे कमेंट करके बता सकते हो दैट डू आई लुक गुड विदाउट चश्मा विद चश्मा? यहाँ पे मैंने लाया है ये जो कि डिश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और आपने उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे देखी भी है, जो कि है साउथ इंडियन फूड। और उसमें क्या है ये रहा, आप लोगों को देख के पता चल गया होगा। तो यस गाइज, यहाँ पे मैंने लाया है इडली का बर्तन, क्योंकि इसमें मैं बना सकूँ इडली। कैसा लगा मेरा मजाक? एंड यू नो हाउ मच आई लव साउथ इंडियन फूड। तो करते हैं इसका उद्घाटन फिलहाल, पर रुक के थोड़ा। ये जो सोयाबीन की सब्जी बना रही हूँ मैं, बहुत तरी वाला नहीं बना रही हूँ, मतलब अच्छे से ग्रेवी चाहती हूँ मैं इसमें, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा सूखा। तो इसीलिए अब मैंने इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया है 2-5 मिनट। अब इसमें हम ऐड कर देंगे वाटर, और यहाँ पे मेरी सब्जी बन जाएगी। ये रही थिकनेस, बहुत अच्छी आई है सब्जी की, मतलब जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही। अब यस, टेस्ट करके बताते हैं कि कैसी बनी होगी सब्जी। सो गाइस, ये है कप्तान रेस, जो कि मैंने हिमाचल से लिया था मैक्लोडगंज के ट्रैवल में। आपने अगर नहीं देखा तो फिर इसमें देख सकते हैं। एंड यस, सुपर कंफर्टेबल टू वेयर इन एंड आउट। इटली का शॉट देखा दैट आई हैव मेड, बट यस इसका वीडियो आएगा जल्दी। सो यस, स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड उद्घाटन मैंने कर दिया है। एंड यस, आज के लिए इतना ही। आई रुकनी शर्मा विल कीप कमिंग बैक विद सच मोर वीडियोस। You know what you have to do. You have to just stay tuned and do like, share, subscribe to my channel, which is Sapna Rukmi Sharma Vlogs. I, Rukmi Sharma, will keep coming back with such more videos. Until then, take care, guys. Bye.